चलिए दोस्तों, आज मैं ये स्क्रू ड्राइवर लेके आया हूँ। इसका मतलब मैं आपको कुछ हार्डवेयर का पार्ट पढ़ाने वाला हूँ। आज हम सीखने वाले कंप्यूटर के बेसिक पार्ट्स। पहले मैं आपको बताऊं कि कंप्लीट टेक्नोलॉजी पे मैं हार्डवेयर की सीरीज रेगुलर अपलोड करने वाला हूँ। तो कंप्लीट टेक्नोलॉजी चैनल पे मैं सतीश आप सबका स्वागत करता हूँ। और कंप्यूटर हार्डवेयर डिटेल में सीखते हैं। सबसे पहले तो कंप्यूटर के पार्ट्स के बारे में जानकारी लेते हैं, बाद में कंप्यूटर में इंस्टॉलेशन कैसे करना है, कंप्यूटर हार्ड डिस्क कैसे फॉरवर्ड मारते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे इंस्टॉल करते हैं, सॉफ्टवेयर कैसे इंस्टॉल करना है, ड्राइवर्स कैसे इंस्टॉल करना है, सारी चीजें इस सीरीज में कवर होगी। बने रही है कंप्लीट टेक्नोलॉजी चैनल पे। तो चलिए शुरू करते हैं डायरेक्टली कंप्यूटर के। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताऊं दोस्तों, आप अगर नए हो मेरे चैनल पे और आप सीखना चाहते हैं कंप्यूटर टिप्स एंड ट्रिक्स, मोबाइल टिप्स एंड ट्रिक्स, तो आपको करना होगा मेरा चैनल सब्सक्राइब। और सब्सक्राइब के बाजू में जो बेल आइकन है उस पर भी क्लिक कीजिएगा ताकि मेरे ऑडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिले। तो यहाँ पे दिख रहा है दोस्तों, मैंने मेरा कंप्यूटर खोल के रखा है आपको ये बताने के लिए कि कंप्यूटर के अंदर पार्ट कौन कौन से रहते हैं। और ये सीरीज के वीडियोस मैं उनके लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ जिनको कंप्यूटर के बारे में बिल्कुल जानकारी नहीं है। तो उनको ये जानने में इंटरेस्ट है कि कंप्यूटर के अंदर कौन कौन से पार्ट्स रहते हैं और उनका क्या काम रहता है, ये मैं आज बताने वाला हूँ। फिर इसके आगे के पार्ट में वैसे हार्डवेयर सीरीज कंटिन्यू रहेगी आपके लिए और मैं इसे रेगुलर अपलोड करने की जरूर कोशिश करूंगा। तो चलिए सबसे पहले तो कंप्यूटर मैंने खोल के रखा है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये मेरा हार्ड डिस्क है। मेरे पास दो हार्ड डिस्क है, मैंने दो कनेक्ट करके रखी है एक कंप्यूटर में। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है एक ये हार्ड डिस्क है, दो हार्ड डिस्क है। आप एक हार्ड डिस्क कनेक्ट करेंगे तो भी आपका कंप्यूटर स्टार्ट हो जाता है, स्टार्ट हो सकता है। मैंने एक हार्ड डिस्क में ऑपरेटिंग सिस्टम रखा है, एक हार्ड डिस्क मेरा एक्सटर्नल ड्राइव करके रखा है मैंने, यानी ज्यादा स्पेस मुझे चाहिए था तो इसलिए मैंने ये किया है। मैं हार्ड डिस्क के बारे में बताऊं, चलिए मैं हार्ड डिस्क के बारे में डिटेल बताता हूं आपको। यहाँ पे आप देख सकते हैं हार्ड डिस्क, ये सीगेट कंपनी की हार्ड डिस्क है, वैसे वेस्टर्न डिजिटल की भी रहती है सीगेट कंपनी। सीगेट कंपनी के नीचे इसका सीरियल नंबर दिख रहा है आपको, दिखाई दे रहा है सीरियल नंबर वगैरह, ये पार्ट नंबर। ये नंबर आप गूगल पे जाकर, मतलब गूगल में अपने सीगेट कंपनी का वेबसाइट विजिट करना है और वहां पे जाकर ये नंबर डाल के आप इसका वारंटी चेक कर सकते हैं कि कितने साल की वारंटी है। वारंटी एक्सपायर रहेगी तो वारंटी एक्सपायर लिख के आएगा, क्योंकि एक हार्ड डिस्क के लगभग 2 से 3 साल वारंटी भी दी जाती है अगर आप पर्टिकुलर सीगेट या WD कंपनी की हार्ड डिस्क लेते हो, जैसे वेस्टर्न डिजिटल या सैमसंग की हार्ड डिस्क रहेगी तो भी लगभग 3 साल की वारंटी तो मिलती है। ये मैकेनिकल पार्ट रहता है, आजकल तो आप शॉप में देखोगे तो वो लोग 1 साल का वारंटी आपको देंगे। तो यहाँ पे ये ब्लैक हार्ड डिस्क है, हार्ड डिस्क के अलग अलग टाइप भी होते हैं, उसके ऊपर वीडियो मैं जरूर बनाऊंगा। फिलहाल मैं आपको बताऊं कि ये हार्ड डिस्क मैं स्टोरेज के लिए यूज कर रहा हूँ। यहाँ पे 250 GB ये हार्ड डिस्क का जो कैपेसिटी है, 250 GB दिखाई दे रहा है। और ये मैंने एक्सटर्नली स्टोरेज के लिए इसे रखा है, इसके अंदर मैंने OS इंस्टॉल नहीं किया है, ऑपरेटिंग सिस्टम बिल्कुल इंस्टॉल नहीं है इसके अंदर, बस इसमें जो डेटा है मैंने स्टोरेज के लिए रखा है। और इसमें इसका कैपेसिटी दिख रहा है, बाकी चीज़ें तो उनका टर्म्स एंड कंडीशन वगैरह वगैरह है। इस हार्ड डिस्क को अलग अलग यहाँ पे स्क्रू लगे हुए हैं, इसके बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा। एक हार्ड डिस्क मैं आपको खोल के भी दिखाऊंगा, अंदर मैकेनिकल पार्ट कैसे रहते हैं, प्लैटर क्या होता है, ट्रैक एंड सेक्टर्स कैसे वो प्लैटर के ऊपर रहते हैं, वैसे वो विजिबल नहीं रहते ट्रैक एंड सेक्टर, और उसके अंदर रीड राइट हेडर कौन सा रहता है। एक बार हम ये हार्ड डिस्क जरूर खोल के देखेंगे आगे, अगर आप सीरीज में बने रहेंगे कंटिन्यू तो आपको जरूर पता चलेगा। फिलहाल मैं आपको बताऊँ ये हार्ड डिस्क जो है जिसमें मैंने OS इंस्टॉल किया है, ये हार्ड डिस्क का कैपेसिटी है 500 GB। मैंने इसमें अलग अलग ड्राइव बनाए और उसमें एक ड्राइव में OS मैंने इंस्टॉल किया है। ये हार्ड डिस्क आपको दिखाई दे रहा है सीगेट का ही है और ये सीगेट का अलग वर्जन है, ये 12 कूड़ा करके नाम है, समथिंग लाइक दिस। और इसका RPM 7200 है, मतलब रोटेशन पर मिनट। यह हार्ड डिस्क 1 मिनट में 7200 बार इसके अंदर का प्लैटर घूमता है, ये RPM होता है 7200 पर मिनट। तो मैं आपको जब हार्ड डिस्क खोल के दिखाऊंगा तब मैं समझाऊंगा, और ओपन करके उसे चालू करके भी दिखाऊंगा। मेरे पास वैसे भी बहुत सारी हार्ड डिस्क पड़ी है बंद वाली, जिसमें मैं आपको एक्सपेरिमेंट करके दिखाऊंगा। इस हार्ड डिस्क पे मैंने नाम लिखा है, ये मेरे दोस्त का नाम है एक्चुअली, तो उससे मैंने ये हार्ड डिस्क ले लिया था तभी उसका नाम यहाँ पे आ रहा है। आप अपने हार्ड डिस्क में नाम लिख के रखिएगा, क्योंकि जब आप रिपेयर करने के लिए देते हो तो शायद वो हार्ड डिस्क चेंज करने के चांसेस बहुत रहते हैं वहाँ पे, और आपको ज़्यादा जानकारी नहीं रहेगी तो प्रॉब्लम होता है, इसलिए हार्ड डिस्क पे ऐसा नाम लिखिएगा। मैंने इस हार्ड डिस्क पे नाम लिखे रखा है, मतलब अपने दोस्त का नाम लिखा था। तो आगे मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे जो हार्ड डिस्क आपको दिखाई दे रही है मेरी, ये सीगेट हार्ड डिस्क, यहाँ पे इसे कनेक्शन जो किए मैंने वो आपको मैं बता देता हूँ। इस हार्ड डिस्क को मैंने यहाँ पे ये जो है साटा पावर केबल लगाया गया है, और यहाँ पे साटा डेटा केबल है, एक साटा पावर केबल होता है, एक साटा डेटा केबल रहता है। इसको कैसे कनेक्ट डिसकनेक्ट करते हैं आगे के पार्ट में हम देखने वाले, बस इसका नाम याद रखिए, हम इसको कनेक्शंस देखेंगे आगे। आगे मैं कंप्यूटर के अंदर लेके चला जाता हूँ मैं आपको, और यहाँ पे दिखाता हूँ मेरे कंप्यूटर के अंदर। अब मैं यहाँ पे बताऊँ कि ये मदरबोर्ड यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, और ये जो मदरबोर्ड का टाइप, मतलब कंपनी है, वो रूलर है। अगर आप देखेंगे तो मार्केट में वैसे अलग अलग कंपनी के मदरबोर्ड आपको मिलेंगे, ASUS का मिलेगा, फिर गीगाबाइट का मिलेगा, अलग अलग कंपनी के रहेंगे। यहाँ पे इस मदरबोर्ड का कंपनी का नाम है रूलर। यहाँ पे आपको इस पे है ना, ये नॉर्थ ब्रिज के जो हीट सिंक लगाया हुआ है इसके ऊपर दिखाई दे रहा है।
इस मदरबोर्ड के पार्ट के बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है कि मदरबोर्ड के ऊपर कौन कौन से पार्ट रहते हैं, जो कि जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा या ऊपर आई बटन पे उसका लिंक मैं आपके लिए दे दूंगा। अब मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि मदरबोर्ड जो पूरा है, मदरबोर्ड के ऊपर क्या क्या कनेक्शन है, किधर किधर है। मदरबोर्ड के बाजू में SMPS आपको दिख रहा है, SMPS का जो पावर निकलता है वो मदरबोर्ड के ऊपर यहाँ पे कनेक्टेड है, आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे कनेक्टेड है, यहाँ पे कनेक्टेड है। ये जो पावर कनेक्टर है इसे ATX पावर कनेक्टर बोलते हैं, जो SMPS से निकला हुआ, और इसे 12 वोल्ट पावर कनेक्टर है। ये कंप्लीट मदरबोर्ड को ये SMPS पावर देता है, इसे स्विच मोड पावर सप्लाई या पावर सप्लाई भी बोलते हैं इसे। ये अलग अलग कंप्यूटर का अलग अलग हिसाब से लगाया जाता है, मतलब अभी मेरे कंप्यूटर में तो 230 वोल्ट ही रिक्वायर्ड है, तो उसके हिसाब से मैंने ये बिठाया। गेमिंग कंप्यूटर के लिए अलग सा SMPS यूज होता है। अब आप नॉर्मली आपका घर का यूज का कंप्यूटर है तो आपका SMPS लगभग 450 से 500 रुपए में SMPS मिल जाता है मार्केट में, या फिर आप आईबॉल कंपनी का लेंगे या सर्कल कंपनी का तो थोड़ा सा महंगा आएगा। जैसे आईबॉल कंपनी का 600 रुपए रहेगा, सर्कल कंपनी का लगभग 900 रुपए रहेगा, अलग अलग प्राइसेस रहते हैं, लेकिन वारंटी भी देते हैं वैसे आपको। ये SMPS कंप्लीट सिस्टम में DC पावर इनपुट करता है, यहाँ पे DC पावर आता है, पूरा DC पावर यहाँ पे देता है वो। AC पावर कनेक्शन हम लोग कनेक्ट करते हैं इसे SMPS से, और यहाँ पे DC पावर मदरबोर्ड के ऊपर या हार्ड डिस्क के ऊपर यहाँ पे लगता है। ये दिख रहा है आपको SMPS से, ये वायर्स SMPS से आई है और डायरेक्टली हार्ड डिस्क को भी लगी हुई है। वैसे DVD रोम आपके पास है तो उसके लिए भी लगी रहेगी। फिलहाल मैंने DVD को कुछ कनेक्ट नहीं किया क्योंकि मैंने दो हार्ड डिस्क यहाँ पे कनेक्ट किया, इसलिए DVD को नहीं है। एक एक्स्ट्रा पेपर मैंने यहाँ पे रखा है, वो हार्ड डिस्क के नीचे रखने के लिए मैंने रखा था, उसे हटा देता हूँ मैं अभी। ये मेरा घर का कंप्यूटर है और ये मैं कम यूज़ करता हूँ अभी, क्योंकि अभी लैपटॉप ही ज़्यादा मैं यूज़ करता हूँ, तो इसीलिए ये ऐसा है। थोड़ा बहुत इसमें डस्ट भी है, लेकिन मैंने आपको बताया कि डस्ट वगैरह नहीं रखना है। मैंने वैसे भी डस्ट क्लीन की है इसकी, लेकिन अभी कुछ बाकी है, ब्लोअर के साथ क्लीन की होती तो ये सारी डस्ट चली जाती। अब मैं आपको आगे दिखाऊं कि ये मदरबोर्ड जो है, सिंपली मैं बताऊं, मदरबोर्ड के ऊपर यहाँ पे लगा हुआ है रैम जो आपको दिख रहा है, ये है रैम दोस्तों। इसे मैं निकाल के दिखाता हूँ। यहाँ पे ये जो है ना, आपको प्रेस करना है इस तरह से, वाइट लॉक है, नीचे की तरफ प्रेस कीजिए, इसे खींचिए, ये आ गया रैम, राइट। सो यहाँ पे मैं इसे रख देता हूँ, यू कैन सी इट। यहाँ पे रैम आपको दिखाई दे रहा है, रैंडम एक्सेस मेमोरी इसे बोलते हैं, और ये कंप्यूटर का स्पीड बताती है, मतलब कंप्यूटर का स्पीड बढ़ाने के लिए इसका काम होता है। मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे आप रैम पे ध्यान से देखोगे तो मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे 4GB रैम है, और ये कौन सा है, PC3 यानी DDR3 रैम है। आप उसको देख सकते हैं, मतलब उस रैम के ऊपर आप इजिली पढ़ के देख सकते हैं कि कितना GB रैम है। PC3 मतलब कौन सा रैम है, DDR3 रैम है ये, DDR3, DDR4 ऐसे नए लेटेस्ट रैम है, मतलब लेटेस्ट तो DDR4 ही है, और उसके पहले DDR2 था, उसके पहले DDR रैम था, उसके पहले HD रैम था, ऐसे अलग अलग रैम की टाइप है। ये सारी चीज़ें आपको सीखने मिलेगी इस हार्डवेयर सीरीज में दोस्तों। अब फिलहाल तो मैंने आपको ये बता दिया कि इसके अंदर के पार्ट्स में क्या क्या पार्ट्स रहते हैं। SMPS रहता है, मदरबोर्ड रहता है, मदरबोर्ड के ऊपर रैम लगा रहता है, हार्ड डिस्क रहता है, DVD राइटर रहता है, जो कि कंप्यूटर के अंदर आपके कनेक्शन यहाँ पे कनेक्ट किया हुआ रहता है। ये सारे पार्ट्स हैं, इनको कैसे अटैच करना है, कैसे डीअटैच करना है, ये कंटिन्यू इस वीडियो में चालू रहेगा। ये था हार्डवेयर सीरीज का पार्ट 1 दोस्तों। उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा, आपने ऑलरेडी लाइक बटन पे क्लिक किया होगा, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। मैं और भी इंफॉर्मेशन भरे वीडियोस लेके आऊंगा आपके लिए। कंप्लीट टेक्नोलॉजी चैनल पे बने रहिए, और मेरा एक और चैनल है लर्न मोर, जो कि आपको पता ही रहेगा, लर्न मोर अर्न मोर, जिसका लोगो है या स्लोगन है, और उस पर भी जाके विजिट कीजिए। कंप्यूटर टिप्स, एक्सेल टिप्स, टैली टिप्स, ऐसे बहुत सारे वीडियोज है वहाँ पे, तो जरूर आप एक बार लर्न मोर चैनल पे विजिट कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर कंप्लीट टेक्नोलॉजी के, तब तक सीखते रहो, सिखाते रहो, बाय बाय।